बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें मैं सुन रही थी कि ग्रुप बन रहा है, प्लानिंग की जा रही है, प्लॉटिंग की जा रही है, लेकिन आज भाई कामिनी जी ने बम फोड़ दिया। हाँ जी, एक स्क्रीनशॉट किसी ने जो कम्युनिटी पोस्ट पे लगाई थी, कम्युनिटी, वो दिखा के। तो आखिर में प्लानिंग प्लॉटिंग किसने करी और किसके खिलाफ हो रही है? यहां से तो यही लग रही है भैया बहुत टाइम से बहुत कुछ चल रहा है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और सच का साथ भाई स्वाति में आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। एंड थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ पे आते हैं। काफी लोग एग्री करेंगे, काफी लोग डिसएग्री करेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे चैनल पे काफी लोग मेरे से एग्री करते हुए भी दिखते हैं, और जो डिसएग्री करते हैं उनको भी मैं कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के कामिनी जी के वीडियो की। उससे पहले मैं कल जो देवरानी जेठानी है, यानी कि कामिनी जी और वहां पे निकी, दोनों लाइव आई थी, जहां पे निकी ने लाइव आके कुछ चीजें बोली है। टाइटल भी ऐसा लगाया था कि प्लानिंग की जा रही है, इस तरह की कैसे लोग हैं, और वीडियो में लाइव में उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें बोली है कि जो मेरे साथ के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी जाके कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि तुम इसके लिए ऐसे बोलो, है ना, इसने तुम्हारे लिए ऐसे बोला था तो वीडियोज बनाओ, ठीक है। और यहां पे मतलब अभी तक प्लानिंग प्लॉटिंग ग्रुपिज्म की बात की जा रही थी, राइट, लेकिन यहाँ पे कामिनी जी ने आज एक प्रूफ दे डाला, और प्रूफ किसी की कम्युनिटी पोस्ट है, मुझे नहीं पता किसकी दिया है, लेकिन वहां से तो साफ यही लग रहा है कि कामिनी जी को गिराने के लिए ऐसी साजिशें की जा रही हैं, ऐसी चीजें की जा रही हैं। मतलब मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो निकी हो चाहे वो कामिनी हो, आप लोग अपना काम करिए, अच्छे से काम करिए, ठीक है, लोग आपको आपके काम से जानते हैं, आप ऑनेस्टी से काम करिए। लेकिन यहाँ पे जो ये चीजें सुनने में आ रही है ना, ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनता है, जनता सब जानती है। बाकी रिएक्शन चैनल्स के लिए फिर से आज कामिनी जी ने काफी चीजें बोली हैं, रिएक्शन चैनल्स का 360 डिग्री चेंज होना, और बहुत सारी चीजें ये भी बोली कि आपके पहले व्यूज देख लीजिए, अभी व्यूज देख लीजिए, ठीक है। देखो, मेरा खुद का रिएक्शन चैनल है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला कि रिएक्शन चैनल चेंज हुए, ठीक है, और कभी मैंने किसी भी रिएक्शन चैनल को कांटेक्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे ये चीज तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मेरे से कभी कामिनी जी ने कांटेक्ट नहीं करा खुद अपनी तरफ से, है ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। उन्होंने कभी मुझे, चाहे इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैं यहाँ पे जितने भी रिएक्शन मैंने आज तक दिए, मैं इनकी वीडियोज देख के, चाहे वो देवरानी हो चाहे जेठानी हो, ठीक है। तो इन्होंने रिएक्शन चैनल्स के लिए भी बोला, और उन्होंने बोला कि आप मेरी जगह होके देखिए, ठीक है, आप ऐसी चीजें जो बोली जाती हैं, जो बोली गई, और आपको पता ही, इन्होंने जो पहले लीगल वगैरह किया था, ठीक है, तो इन्होंने ये काफी चीजें उन रिएक्शन चैनल्स को पर्टिकुलर बोली। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि सारे रिएक्शन चैनल्स एक जैसे नहीं होते हैं, काफी लोग होते हैं जो बिल्कुल ऑनेस्टी से वीडियो के आधार पर अपना रिएक्शन देते हैं, ठीक है। आप होते हैं, कुछ रिएक्शन चैनल्स बिल्कुल होंगे जो इन्फ्लुएंस में आ भी जाते हैं लोगों के, ठीक है, उनके हिसाब से फिर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हर रिएक्शन चैनल एक जैसा नहीं होता है, राइट। मैं आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, और बिल्कुल रिएक्शन चैनल्स दोनों की वीडियोस देखेंगे, और बिल्कुल किसी के इन्फ्लुएंस पे बिना आए, ठीक है, पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी चीज कहना चाहती हूँ कि हमेशा अगर आपको लोग अच्छा बोलें, ठीक है, तो आपको अच्छा सुनने की भी आदत होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुछ गलती है, और मैं ये सारे ही इन्फ्लुएंसर से कह रही हूँ, अगर आपने वीडियोस में गलत दिखाया है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आके अगर बोलूंगी कि आपने क्यों दिखाया, इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, और लास्ट में सब्सक्राइबर्स पे ब्लेम आता है, तो रिएक्शन चैनल्स होते हैं और वो आपकी गलती भी बताते हैं। तो आपको अगर अपनी तारीफ लेनी आनी चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको हेट भी मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, तो क्रिटिसिज्म लेना भी आना चाहिए। और मैं फिर से कह रही हूँ, हर रिएक्शन चैनल एक जैसा नहीं होता है, हर कोई इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। जब उनका, कहते हैं ना, व्हेन इट कम्स टू वर्क, तो आदमी अपना ऑनेस्टी से काम करता है। जब यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम आते हैं, बिल्कुल हम अपना काम पूरी ऑनेस्टी से, शिद्दत से करते हैं, राइट। चलिए बात कर लेते हैं पहले इनकी वीडियो की, राइट। प्रूफ के साथ है, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है, ये तो सोचा होता सच या झूठ सामने। तो ये इनका जो आज का वीडियो है, और कल ये लाइव भी आई थी रात में अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ इन्होंने खूब सारी बातें करी थी अपनी जनता जनार्दन के साथ, ठीक है। और टाइटल थंबनेल में है, प्रूफ के साथ देख लो, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है। तो देखिए क्या चीजें चल रही हैं, वहां पे मैंने निकी का देखा था, वो कह रही है कि ऐसी प्लानिंग की जा रही है, और यहाँ पे आज
जो कामिनी जी ने ये सब चीजें बोली और इन्होंने जो कम्युनिटी पोस्ट दिखाया है, मैं कम्युनिटी पोस्ट की बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो लिखा है, मतलब जिसका इन्होंने शेयर किया है, मुझे नहीं पता किसका है, ठीक है, किसी ने कम्युनिटी, या फिर ये रिएक्शन वाली है, या फिर ये कोई यूट्यूबर है। मुझे किसी ने कहा था तुम कामिनी के लिए इतना गलत बोल सकती हो, बोलो, हमें अलका को हराना है तो कामिनी को गलत बोलना होगा। तो मतलब कामिनी जी को टारगेट किया गया क्या? कामिनी जी को डाउन करने के लिए ये सब चीजें की गई? मतलब कितनी गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग है जो ये अब दिख रही है। और ये मतलब सोच के देख के ये चीजें बहुत बुरा लग रहा है कि लोग बिना जाने, देखिए रिएक्शन जो भी देते हैं, ठीक है, रिएक्शन चैनल्स आज के टाइम पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं जो आ रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि रिएक्शन चैनल्स का काम होता है कि हर एक की वीडियो देखिए, ठीक है, और फिर जो सही है उसको सही बोलो, गलत को गलत बोलो। अभी किस चैनल का इन्होंने लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज सुन के बड़ा दुख हुआ कि किसी को डाउन करने के लिए, है ना, किसी और को हराने के लिए यहाँ पे कामिनी जी को क्यों टारगेट किया गया, है ना, उनके खिलाफ क्यों साजिशें की गई, ये सुन के अच्छा नहीं लगा है। बाकी आज की वीडियो में मैं फिर से कहती हूँ कि देखिए नोएडा में कल 52 समथिंग टेम्परेचर हो गया था, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा गर्मी थी कल, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, तो बारिश वगैरह तूफान वगैरह आना था, जिन्होंने अपनी वीडियो में भी दिखाया है। आई होप उसके बाद थोड़ी रिलीफ मिली होगी, ठीक है, और पेड़ वगैरह भी गिर गए थे गाड़ी पे, तो यही दिखा रही है। बाकी इन्होंने रवीना के साथ मैगी वगैरह बनाई है और खा रही थी और कह रही थी कि मेरे को एक पर्पल का कुछ प्रमोशनल वीडियो भी बनाना है, वो जो बेडशीट वगैरह इन्होंने बिछाई है वो बनाया है, और काफी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वीडियो में इनका इनका जो शॉट है, पर्पल वाला शॉट या कुछ कह रही थी, आई डोंट नो, वो अब एड में दिख रहा है। तो देखिए धीरे धीरे इंसान जब वायरल होता है, उसकी वीडियोस पहुंचती हैं, तो इंसान खुश होता है और इंसान की पब्लिसिटी भी होती है। अच्छा, इसी पॉइंट पे इन्होंने एक और जो चीज मैंने भी पढ़ी थी, राइट, इन्होंने कुछ जो कम्युनिटी पोस्ट लगाए थे या शॉर्ट्स डाले थे, उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे जब ये इन्होंने एक रील डाली थी शायद उस पे, जब ये मैगी बना रही थी उस टाइम इन्होंने भी बोला, और मैंने भी वो कमेंट देखे थे। हालांकि मैं कल वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन थोड़ा सा टाइम का कमी था मेरे पास, इसलिए मैं नहीं बना पाई। उसमें कमेंट था, देखो किचन निक्की का है, गैस भी निक्की की, उसके बर्तन भी, और तुमको कितना वो है, हाँ तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तो कामिनी जी ने आंसर दिया कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मुझे एक बात बताओ, जब इंसान एक ही घर में रह रहा है, वो ऊपर नीचे कर रही है, वो किचन में ही आके सारा काम कर रही है, ठीक है, अब वो उस किचन में काम भी ना करें, मतलब पूरे परिवार के लिए खाना भी बनाए, ठीक है, सारी मेहनत भी करें, हालांकि इनकी सासू माँ इनकी हेल्प करती हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के कमेंट्स कर जाते हैं, क्या उनको लिखने से पहले शर्म नहीं आती? वो तो इन्होंने मजाक में आंसर दे दिया, अरे भैया आप लोग ही तो कहते हो, अब वो अगर अलग हो जाएंगी तो भी लोगों को बुरा लगेगा, है ना, अपना ऊपर किचन। वैसे कुछ लोगों ने बोला है कि आप इतनी ऊपर अप डाउन करती हो, आपका भी बच्चा है, देर रात उसको कुछ खाना पीना देना हो, दूध वगैरह बनाना हो, तो कितनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन वो बंदी फिर भी नीचे आती है, ठीक है, सोचिए कितना अप डाउन करती होगी, अभी वो उसी किचन में बना रही है। लेकिन लोगों को ना कुछ किसी भी तरीके से, जब तक कहते ना आप अपनी पे, आपकी लाइफ में वो चीजें ना हो, तब तक आपको समझ नहीं आती है, राइट। लोगों ने तो यहाँ पे इनको बोला कि कुछ टेम्परेरी कुछ कॉर्नर टाइप का बना लो, है ना, जहाँ पे आप कॉफी चाय का इंतजाम तो एटलीस्ट हो, दूध वगैरह बना लो, छोटे मोटे स्नैक्स बना लो, क्योंकि कई बार बहुत लेट नाइट हो जाता है, आपका कुछ मन किया चाय वगैरह पीने का, नीचे आना है ना, जब सब सो जाते हैं, तो लोगों ने इस तरह की भी चीजें इनको इनके कॉमेंट सेक्शन में एक एडवाइस के तौर पर दिया है, ठीक है। तो वही चीजें ये याद कर रही थी कि जब हम लोग छोटे होते थे, तो जब किसी क्या जाते थे, कुछ स्नैक्स वगैरह आते थे खाने वाने का, तो वो लोग कहते थे कि शर्म मत करो, शर्माओ मत, खा लो, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो यही चीजें लाइफ में इन्होंने बचपन से एग्जाम्पल देते हुए बताया कि पहले हमारी मेमोरीज थी, चाइल्डहुड मेमोरीज ऐसी। तो ये तो इन्होंने कॉमेडी में बोल दिया, लेकिन आए दिन जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं ना, आप खुद सोचिए तो क्या करेंगी वो, हाँ, मतलब इस किचन में भी ना आए, ठीक है, निकी के फ्लोर पे आ गई, निकी के किचन में आ गई, निकी के बर्तन यूज कर रही हो, अरे भैया वो किचन इनका भी है, वो किचन जो बर्तन है वो इनके भी हैं, क्योंकि अभी ये इसी किचन में, दोनों का ही किचन है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना आके, कृपया करके ना करें। लेकिन हाँ, किसी को अगर सिर्फ हेट ही देनी है कुछ भी बोल के, किसी को अपनी खुंदस निकालनी है, तो वो बकवास तो करेंगे ही आके। तो चलिए मैं कुछ कॉमेंट्स की बात लूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो अभी कर दो। चलिए कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं।
तो इन्होंने अपना एक कमेंट श्वेता चौबे का पिन किया है, आपकी सहनशीलता, आपकी शालीनता को देखकर मैं 4 साल से आपको देखती हूँ, आप 4 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं मिला जिसमें आप मुझे दिखावटी दिखी हो, कि नहीं आप दिखावा कर रही हो, आपके सारे ब्लॉग्स नेचुरल होते हैं, इसलिए मैं आपको इतनी पसंद करती हूँ। अब तो ऐसा हो गया है जैसे बिना देखे क्या बोलूँ, मतलब नहीं आपका ब्लॉग आता है तो हम पुराने ब्लॉग्स उठाकर, नहीं आता है तो पुराने ब्लॉग्स रिपीट करके हम लोग देखते हैं। और आपने अपने व्यूअर्स के दिल में कमाया है कि उन्होंने आपसे कभी कोई प्रूफ नहीं मांगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, वह आपने कमाया है, आपके सब्सक्राइबर आपके लिए क्रांति छोड़ देते हैं, सच में आपने जो कमाया है, आप आपकी नेचुरल हैं, आप शालीन हो, सहनशील हो, एकदम गंभीर, एकदम डाउन टू अर्थ हो, आप क्यों सफाई दे रही हैं, आप एकदम सही हो, आप कभी गलत नहीं हो, जिसको सब्सक्राइब बढ़ाने हैं घमंड में है वो घमंड में रहे, कब किसका समय बदल जाए कोई ठीक नहीं, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर खेलने से नहीं होगा, घर का तो इज्जत का धज्जियां उड़ाकर दुनिया को लेकर चलना है, दुनिया के पीछे नहीं चलना, परिवार को लेकर चलना है, परिवार की नहीं चलना, बाकी आप खुद समझदार हो, आप रो मत, हिम्मत रखो, समय से सब सही होगा। पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है कामनी दी से, ये तो ऐसी है कि इन्हें औरों से मतलब ही नहीं है, किसी अन्य यूट्यूबर से कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं, बस अपना काम अपने तरीके से समझदारी से रहती हैं, अपनी मेहनत का खाक कमा रही हैं, तो भी पता नहीं क्यों चुल मची है, खुशी नहीं देखी जा रही। वैसे मैं बता दूं कि कल जो मैंने भी वीडियो डाला था जो अलका जी के साथ, वो उनकी ही सेलिब्रेशन में गई थी तो इनके ही कुछ सब्सक्राइबर्स को प्रॉब्लम हो गई थी, हालांकि कह रही थी वो कि मैं सिर्फ एक कहते हैं ना किसी की खुशी में उनका साथ देने गई थी, वो भी जब उन्होंने मेरे को खुशी दी थी एनिवर्सरी पे, मेरे लिए एक पार्टी अरेंज करी थी, केक कटिंग करी थी, जब उन्होंने बुला लिया और बाकी परिवार ये सब चीजें ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन लोगों को ये भी चीज हजम नहीं हुई, उनके पीछे पड़ गए थे, है ना। खूब तरक्की करें आप और खुशी खुशी ब्लॉग बनाएं, हम सबको दिखता है आपकी सच्चाई, जलने वाले खुद ही अपने मियां मिट्ठू बनते हैं, जल जल के सुख भी रहे हैं, यू आर ऑनेस्ट पर्सन। तो आज इनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं लोग। और अच्छा, ये किचन वाला कमेंट जिसने लिखा था ना भाई, थोड़ा सोच समझ के लिखा करो, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे हेट देना है, कोई किसी का गुलाम नहीं होता है, ठीक है, वो उनका भी घर है, उनका भी किचन है। तो मैं यहाँ पे एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, कुबूस वर्ल्ड है, उन्होंने लिखा है, मुझे भी वो कमेंट पढ़ के बुरा लगा था, सोचा कि आपको भेजो, फिर मुझे लगा आप हर्ट हो जाओगी, इसलिए आपको सेंड नहीं किया। और डोंट वरी बी हैप्पी, तो सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आज, इनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और इन्होंने बोला है कि ये जो कम्युनिटी पोस्ट है जिसने करी है, इसको पढ़ के इनको भी अच्छा नहीं लगा और ये काफी टाइम से डिस्कस करना चाह रही थी, और इन चीजों से बहुत सारी चीजें ये क्लियर होगी कि आने वाले टाइम पे भी, अब आप लोगों को और जनता को ये पता चल गया होगा कि एक्चुअली में कौन सी प्लानिंग की गई थी, और आज प्रूफ के साथ इन्होंने ये चीज बताई भी है। सो राइट, और भी चीजें हो सकता है आने वाले टाइम पे पता चले, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहती हूँ, मैं चाहे निकी हो चाहे कामिनी जी हो, आप अपना काम करिए, ठीक है, आप अपने अच्छे से ऑनेस्टी से काम करिए, बाकी जनता देखती है, ठीक है, जनता को कोई पागल नहीं बना सकता, रोज आके आपकी वीडियोस देखते हैं, चाहे 15 मिनट का हो चाहे 20 मिनट का हो, ठीक है, और जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता है एक ना एक दिन फंस ही जाता है, सामने आ ही जाता है सब कुछ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, आज तो मैं बोलती हूँ भाई चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।